दिखाएं यार आपको, जो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं पंचगनी, सीनिक व्यूज चालू हो चुके, तो जस्ट वॉच एंड एंजॉय दिस। दिस इज जाफर बाय द किंग ऑफ बिरयानी, नाउ गोइंग फॉर द होटल नाउ। गुड मॉर्निंग, मैं आ चुका हूँ रूम में, आपको थोड़ा रूम भी दिखा देता हूँ मैं, कैसा है क्या है। ये थोड़ा व्यू बोरिंग सा है, द शीप्स आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट। तो अब थोड़ा भूखा हूँ, बस मैं कुछ खाने नहीं मिला, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगा जाफर भाई के रेस्टोरेंट में, उसके बाद मैं निकल पड़ूंगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में कुछ कुछ पॉइंट्स है, वैक्स म्यूजियम भी सुना हुआ है, तो लेट्स सी क्या क्या हो सकता है बाहर। मैं भी सरप्राइज होने के लिए तैयार हूँ, देखते हैं क्या क्या है बाहर, एक्सप्लोर करने निकल रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। हाँ, स्ट्रॉबेरी काजू द्राक्ष। स्ट्रॉबेरी इज ऑसम। एंड चॉकलेट लवर्स, यू कैन हैव चॉकलेट ऑल्सो, कुछ अलग है, अलग टेस्ट है विद स्ट्रॉबेरी। अच्छा, टेबल लैंड जा रहे हम लोग, अब हम लोग चल रहे हैं टेबल टॉप की ओर। टेबल टॉप बिल्कुल मेरे पीछे है। हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं टेबल लैंड, कोई है तो नहीं यहाँ पे, और ये टेबल लैंड क्यों कहा जाता है मुझे वो भी नहीं पता, तो लेट्स गो एंड वॉच इट। छुडू, ये टेबल लैंड और ऊपर है। अंकल, इसको टेबल लैंड क्यों बोलते हैं? पांडव का ये सब पूरा है, मतलब इधर पांडव आके ऐसे रुके थे, ऐसा एशिया प्लेटफॉर्म है इसका, ये पूरे एशिया में सर दो नंबर का प्लेटफॉर्म है। ओके, पूरे एशिया में। तो टेबल लैंड का कुछ इसका नहीं है इसमें कुछ, नहीं, जो नहीं, नाम नहीं, नेचुरल है सर, ये सब नेचुरल है। नेचुरल है। सिडनी, हैरिसन और पार्सी पॉइंट, ये तीन पंचगनी में। थैंक यू, आपका नाम? राहुल कदम सर। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बाद हमें पता चल चुका है टेबल लैंड है क्या। ये जो मेरे पीछे घर दिख रहा है आपको, कैन एनीवन गेस इट किसका घर है ये, क्या है ये, कुछ कोई मूवी से रिलेटेड है? ये वही घर है जहाँ पे राजा हिंदुस्तानी शूट हुई थी, तो ये महाबलेश्वर में है टेबल लैंड के आसपास। ये पांडव फीट क्या है? आगे पांच पांडे के फुटप्रिंट से आपको देखने मिलेंगे। पॉइंट आते हैं बहुत देखने के लिए घोड़े से, यहाँ पे पहला घोड़ा गाड़ी था, घोड़ा गाड़ी बंद होने के कारण घोड़े से हम लोग 9 पॉइंट कवर करते हैं। ये एशिया सेकंड लार्जेस्ट प्लेटू, 4378 फुट के ऊंचाई पे 9 पॉइंट घूमेंगे, दो गुफा है जमीन के अंदर, दो गुफा अंडरग्राउंड केव से। काय तुझा नाव? आयुष गोरखनाथ गढ़वे। कुठे राहतो? बोपर्डी। क्या अंदर कुछ? अंदर है बहुत गुफा है इसे। गुफा है, ठीक है चलते। ये गुफा बनाया हुआ है कि पहले से ऐसे नेचुरल है पूरा? पर क्यों इसका टाइगर गुफा क्यों रखा है नाम? इधर रहते थे टाइगर। मुझे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया है अंदर जाने के लिए, लेट्स सी हाउ आई कैन सर्वाइव हियर। सो वी आर इन पंचगनी टाइगर पॉइंट, छोटू सा एक गुफा है जो नेचुरल है, एंड देयर इज द सीनिक ब्यूटी पंचगनी। दिस इज द टाइगर पॉइंट जहाँ पे अंदर मुझे दो टाइगर मिले छोटे वाले। फीस है, एंट्री फीस है यहाँ पे 10 रुपीज। नाइस प्लेस। लंच टाइम हो चुका है, एक्चुअली लंच टाइम क्रॉस हो चुका है, 3 बज चुके। मटन भाकरी, रोटी भी एक्स्ट्रा मंगवाई है, पनीर टिक्का मसाला, प्योर मसाले का टेस्ट आ रहा है। ये एक रेड कलर का चटनी है जिसे टेजा कहते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में टेस्ट का बहुत फेमस नाम है टेजा। तो ये काम कब से कर रहे हो? बचपन से ही, छोटा ना। हाँ, फेल हो गया है ना। हाँ, ये चालू किया। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, ऊपर आगे। ठीक है,
आप हो कैरेटेगर के उसके? How much? तो यू आर द कैरेटेगर ऑफ दिस? देन ही इज अ कैरेटेगर. माय डैड है जिसको देखियो माय पिताजी की फोटो हियर इन फ्रंट. ये है पांडव पॉइंट, पर यहाँ पे पांडव जैसे कुछ मिला नहीं मेरे को. एक शिवजी का मूर्ति मिला गुफा में. फोटोग्राफी के लिए 10 रुपये ले लिए. अब देख सकते हो ये कुछ गुफा टाइप है. एंड दिस इज नोन एज द पांडव पॉइंट ऑफ पंचगनी. सो इट वॉज माई हॉर्स राइडिंग टूर. 9 पॉइंट कवर किए इन्होंने और इन्होंने मुझसे तो लिए है कितने, 700 रुपये पर हेड. Hey guys, विंटर पंचगनी बहुत ठंडी लग रही है और मैं अब आ चुका पंचगनी में. एक रेस्टोरेंट है हंगर करके, इन्होंने कहा तो है यहाँ पे तंदूरी बहुत अच्छा बनता है, तो लेट्स ट्राई. ये है ड्राई मंचूरियन, देखने में तो काफ़ी ऑसम लग रहा. चिकन टिक्का तंदूरी ऑसम. Chicken tikka tandoori. If you are coming to Panjgani, you should try this once. At least once. Taste was nice for Chinese, but tikka was awesome. बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा था. शायद मुंबई में बहुत कम जगहों पर मिलता है चिकन टिक्का जो ऐसा इतना awesome टेस्ट करता है. पंचगनी में हंगर डेस्टिनेशन करके जो रेस्टोरेंट है, इफ़ यू आर टिक्का लवर्स, चिकन टिक्का लवर्स, You should come once. Rating wise, I would give them all over 7 out of 10 for the tasty food. So keep watching me, okay guys? Good night.